वेब उस्ताद के साथ एक बार फिर मैं आपके साथ, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ द डिलीट टैग ऑफ HTML। द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डिलीट टैग। अक्सर आपने नोट किया है कि जैसे अमेज़ॉन है या दराज है या जो भी आपके पास शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, उनके अंदर आपने नोट किया होगा कि जब कोई ऑफ़र वगैरह आती है तो वो आपके पास एक लाइन लगा देते हैं, जब कोई डिस्काउंट दे रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, और दूसरी ओरिजिनल प्राइस उसके साथ लिख देते हैं। अब ये HTML के ज़रिए आप कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द टैग ऑफ डिलीट। ये मैंने एक अमेज़ॉन का पेज खोला हुआ है, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इस पेज के अंदर आपके पास उसने लिस्टिंग की हुई है काफ़ी आइटम्स की, और उसके अंदर जब उसने ऑफ़र दिए है तो उसके अंदर यहाँ पर उसने उस चीज़ के ऊपर लाइन लगा दी है। दैट इज़ बाय हेल्प ऑफ HTML ये कैसे पॉसिबल है, बाय यूजिंग डिलीट टैग। अब ये कैसे है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम अपने नोट पैड पर जाते हैं और हम इधर कुछ भी लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फॉन्ट ऐड करता हूँ और फॉन्ट क्लोज, इस फॉन्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ जी $600, ठीक है। मतलब अभी $600 हमारी हो रही है और मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। 50% डिस्काउंट हो रहा है, और इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है वो मैं कहता हूँ जी लिस्ट $1200, ठीक हो गया। अब इसको जब मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं सिंपल टैग आ रहा है, कोई भी मतलब इसके अंदर कोई डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर एक डेल टैग इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ठीक हो गया। अब इससे क्या हुआ कि ये हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर लाइन लग गई है, ठीक है। दिस इज़ बेसिक, मतलब आपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, आप उसके ऊपर एक लाइन लगाना चाहते हो वेबसाइट पे, आप उसके लिए डिलीट की यूज़ कर सकते हो। अच्छा, उसके अलावा आप यहाँ पर जहाँ पे मैंने फॉन्ट यूज़ किया है, आप इसको अगर बाय डिफ़ॉल्ट चलो तो आपको यहाँ पर इंसर्ट यूज़ करना पड़ता है, INS जो इसकी डिफ़ॉल्ट कोड है। बट चूँकि इसका इतना ज़्यादा कोई इसके ऊपर इम्पेक्ट नहीं आता, तो आप इंसर्ट लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसर्ट की शॉर्ट फॉर्म INS है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम इस तरह करते हैं, इधर 50% ऑफ लिख देते हैं, ठीक है। और इधर हम स्पेस दे देते हैं, स्पेस के लिए हम NBSP टैग यूज़ करते हैं, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ स्पेस के टॉपिक के ऊपर। अगर किसी को फिर भी इशू हो तो आपको मैं टैग लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हो। हमने इसको सेव किया, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं जी अब आपके पास सब कुछ चेंज हो चुका है, और इंसर्ट टैग की वजह से ये आपके पास अंडरलाइन भी हो चुका है। सो दिस आज का लेक्चर बहुत सिंपल था, और ये एक तरह से आप समझ लें कि जो मार्केट प्लेसेस बनाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये अमेज़ॉन की शॉप बनाना यार, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप HTML टैग के ज़रिए, CSS के ज़रिए बहुत जल्दी बना सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में मैं पूरी ये शॉप भी बनवाऊँगा और इसके अंदर भी मैं काम करूँगा, बट स्टिल फ़िलहाल चूँकि ये एक बिगनर्स के लिए है और छोटे छोटे कोड्स और टैग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिंपल सा एक टैग था डिलीट जिसके ऊपर हमने आज बात की है, ठीक है। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप मज़ीद मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।